हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पार्ट सिक्स, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि जो राजा हैं, किंग हैं, वो उनके अकॉर्डिंग तो वो टाइगर मर गया है, लेकिन वो टाइगर मरता नहीं है, उसको जो दूसरे हंटर्स हैं वो मारकर फिर लेके आते हैं। सो वी विल कंटिन्यू इन पार्ट सिक्स एंड पेज नंबर 16। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. अब क्या होता है, जैसे कि राजा का ऑर्डर होता है, उसी के अकॉर्डिंग टाइगर को लाया जाता है और उसको दफनाया जाता है। A tomb was erected over it, और एक tomb है वो erected की जाती है, build की जाती है, बनाई जाती है। Tomb means कब्र। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिनों के बाद महाराजा के जो बेटा होता है उसका थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अब तक राजा का दिमाग उस हंटिंग की तरफ ही था, उसने अपने बेटे के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, उसका माइंड उस 100 टाइगर्स को मारने में ही लगा रहता था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, और क्राउन प्रिंस के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं था, कब, जब वो टाइगर्स के बारे में ही सोचता था। बट नाउ द टाइगर टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब किंग का ध्यान था वो चाइल्ड की तरफ था। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, अब राजा अपने बेटे को उसके बर्थडे पे कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधमपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, अब राजा है वो प्रतिबंधमपुरम की शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं और बहुत कुछ सर्च करते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा सुटेबल कि वो अपने बेटे को दे सके ऐसा उसको नहीं मिलता है। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, फाइनली उनको एक स्पॉटेड वुडन का टाइगर मिलता है टॉय शॉप पे और वो डिसाइड कर लेते कि वो यही लेंगे क्योंकि ये उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अनाज एंड ए क्वार्टर, 2 अनाज मीन्स होता है जो 8 अनाज होते हैं ना वो 50 पैसे के होते हैं, ठीक है। पहले जो पुराने टाइम में थी इनको आना बोला जाता था कि ये चीज़ इतने आने की है, एंड क्वार्टर मतलब हाफ। ये जो वुडन टाइगर था ये एकदम कम कॉस्ट का था। बट द शॉपकीपर नो दैट इट वो इट इफ ही क्वार्टर्ड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, कि रूल्स और इमरजेंसी के तहत राजा उसको दंड देंगे अगर उसने इसका प्राइस कम बताया, क्योंकि जो राजा था वो तो एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद करते थे, अगर उसने लो प्राइस बताया तो उसको दंड दिया जा सकता है। सो ही सैड योर मैजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि महाराजा ये क्राफ्टमैनशिप का एक बहुत रेयर एग्जाम्पल है, मतलब इस टाइप की बहुत कम मिलते हैं, इस टाइप के जो लॉयन है, ये जो टॉय है ये बहुत कम मिलते हैं, ये हैंडमेड बनाए हुए हैं। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और उसका लो प्राइस बताते हैं, ओनली बोलते हैं 300 रुपीज़ है इसका, वो कहाँ पे देखो 2 अनाज और अब यहाँ पे 300 रुपीज़ उसका प्राइस बताया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, कि ये तुम्हारी तरफ से प्रिंस के लिए बर्थडे गिफ्ट। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, ऐसा कहकर राजा उसको अपने साथ ले गए टाइगर टॉय को। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटल वुडन टाइगर, एक दिन दोनों किंग और उसका बेटा एक साथ खेलते रहते, किससे, वुडन टाइगर से। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, कि ये जो टाइगर बनाया हुआ है ये कोई जिसको अच्छी स्किल नहीं होती ऐसे कारपेंटर ने बनाया, तो इसको अच्छे से कर्व नहीं किया गया। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो बहुत ही रफ था। टाइनी स्लीवर्स, स्लीवर्स मतलब नुकेले छोटे छोटे उसमें वुड के वो निकले हुए थे। स्टूड अप लाइक क्विल्स, जैसे कि किसी फिदर्स पंखे, ऑल ओवर इट, और वो जो बनाया हुआ था उसका सरफेस बहुत ही रफली था और उसमें से कुछ नुकीले वो उसका वुडन का कुछ निकला हुआ था। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पायर्स, पायर्स मतलब होल,
द महाराजाज राइट हैंड, उसके कुछ छोटे छोटे जो नुकीले हॉल्स उसमें निकले हुए थे वो राजा के राइट हैंड में लग गए. ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस. अब उसको राइट हैंड में लगने के बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड से उसको निकाल दिया और फिर से अपने बेटे के साथ खेलने लग गए. द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड. अगले दिन वो इन्फेक्शन महाराजा के राइट हैंड में हो गया. इन फोर डेज, आफ्टर फोर डेज इट्स डेवलप्ड इन टू ए स्पर्टिंग शोर. स्पर्टिंग शोर्स होता है कि बहुत ज़्यादा घाव होना, उसके अंदर पस हो जाना, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म. और लगभग 4 दिनों में वो बहुत ज़्यादा घाव हो गया और उसके पूरे आर्म पे हो गया. 3 famous surgeons वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास. 3 famous surgeon को मद्रास से बुलाया गया. आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइड टू ऑपरेट. और उन्होंने काफ़ी कंसल्ट किया और उन्होंने डिसाइड किया कि इसका ऑपरेशन करेंगे. द ऑपरेशन टुक प्लेस. अब उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया. द 3 surgeons हु परफॉर्म्ड इट कैम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डाइड. 3 surgeon ने उनका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके अनाउंस किया कि ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, बट महाराजा है वो मर गए हैं. द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल मीन्स है कि जो पहले इसने प्रोफेसी की थी, एक ज्योतिष था कि तुम एक टाइगर के हाथों ही मारा जाएगा, कि देखना अभी देखते हैं कि राजा सच में टाइगर के हाथों मारे गए हैं, भले वो कैसे भी, लेकिन उनकी जो डेथ है वो टाइगर के हाथों ही हुई है. इन दिस मैनर द 100 tiger टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग. इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो 100 tiger था उसने किस तरह से अपना रिवेंज ले बदला ले लिया टाइगर किंग से. ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, लेसन लेंथी था. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर. थैंक यू.